सुपरस्टार और कहा वो बैकअप स्टोरी ये है कि कोई भी मेरे नाम से ना सब मुझे चढ़ा देते स्कूल कॉलेज इनफैक्ट अभी भी इंडस्ट्री में तो मैंने अपना एक स्टाइल बना लिया सुप्रिया कुमारी नाम तो सुना ही होगा मीना कुमारी के बाद सुप्रिया कुमारी क्या बोला तूने बड़ा मजा आता है लोगों का एक्सप्रेशन देखे लोगों के अंदर से स्माइल भी आती है हंसी भी आती है और सबका मुंह बंद भी हो जाता है वो भी अच्छी तरीके से वो तो गलती है मेरी कि इतनी बड़ी सुपरस्टार मीना जी के साथ अपना नाम जोड़ा लेकिन एक सच की बात बताऊं एक वन ऑफ द बिग प्रोड्यूसर उसने मुझे एक बार बोला था प्लीज़ तुम इतना मत रोया करो कि मीना कुमारी बन जाओ मैं अंदर अंदर बहुत खुश हूँ वाह मीना कुमारी लेकिन वो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रही थी डांट रही थी तो मैंने बोला ओके मैम तो ये थी मेरी बैकअप द स्टोरी तो यहाँ ये मेरे नाम की स्टोरी खत्म फाइनली हम आते हैं बड़े जद्दोजहद और बहुत सोच तो अलग जाने दो के बाद मैं फाइनली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ ये कोई खुशी की बात नहीं है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अरे मैं इस कतार में सबसे पीछे हूँ और पता नहीं भागते भागते भी नहीं पहुँच सकती लेकिन मुझे भागना नहीं है मुझे पहुँचना नहीं है मुझे बस अपना रियल लाइफ आप लोगों को दिखाना है जो मेरे फैंस हैं जो चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ क्या करती हूँ क्या क्या टैलेंट है या नहीं ये तो आपको वीडियोज देखने के बाद ही पता चलेगा है कि नहीं तो रियल लाइफ में तो आप मुझे देख चुके हो मैं एकदम सीधी सादी तो मैं रियल लाइफ में सीधी नहीं लेकिन सादी हूँ है ना अब कुछ बोल नहीं सकते अब मेरे अंदर क्या क्या है ये सब मैं आपको बता के नहीं बताना चाहती अपने वीडियोस दिखा के बताना चाहती तो प्लीज़ इसके लिए आपको मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये जो है लाइक भी करना पड़ेगा और बस फैला दो मतलब शेयर कर दो रायता जैसा फैला दो मेरे चैनल को समझे और अगर कुछ और भी आगे आपको जानना है मेरे बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं लेकिन प्लीज़ कुछ गंदा मत लिखिएगा क्योंकि इस बारिश के मौसम में ऑलरेडी मुंबई एकदम गंदा और गटर खुला हुआ है वैसे मैं कोई मीन नहीं कर रही थी लेकिन जो है सो है लेकिन एक और बात है इस बारिश के मौसम में खुशियाँ है हरियाली है हैप्पीनेस है सुकून है तो बस आप भी ऐसी सुकून और हैप्पीनेस वाले कमेंट्स करते रहिए और बताइए कि और क्या क्या आप देखना चाहते हैं मेरे साथ तो मेरे जो भी टीम है वो उसमें से सेलेक्ट करेगी और फिर हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे और उनका नाम भी लेंगे वीडियो में तो तब तक के लिए Little Miss Lee was